मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुई। इस नौकरी से पहले मैं एक नौकरी में था, और आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश का गौरवमयी विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जानते हैं ना, वहाँ पर मैं कार्यरत था। उनका एक कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट, जो कि नैनीताल ज़िले में है, वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर मैं प्रक्षेत्र प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। तो वहाँ की एक घटना है, जोलीकोट सुना है आप लोगों ने, सुना है किसी किसी ने जोलीकोट? जब हम नैनीताल को जाते हैं, नैनीताल सबने सुना हुआ है, तो हल्द्वानी से 16 किलोमीटर ऊपर पड़ता है और काफ़ी हरियाली है वहाँ पर। तो काफ़ी हरियाली होने की वजह से वहाँ पर पक्षी जीव जंतु ये चीज़ें भी काफ़ी हैं, और घाटी में स्थित है जहाँ पर कार्यालय था मेरा, वो घाटी में थोड़ा सा स्थित था, तो बड़ा ही मनोरम सा दृश्य बन जाता है। तो एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस पहुँचा, और ऑफिस पहुँचने के बाद सबसे पहला काम मैंने अपने ऑफिस के जो भी हमारे कल्चर होता है उसके अनुसार जाके अटेंडेंस अपनी लगाई। लगाने के बाद मैं अपने फार्म पे निकल गया, मैंने उसका मुआयना किया, जो भी आज के होने वाले काम थे उनको योजित कर दिया, और उसके बाद आते हुए कुछ मेरे स्टाफ के साथी मुझे मिले, उनसे बातचीत करते हुए मैं वापस अपने कार्यालय कार्यों को करने के लिए अपने कार्यालय कक्ष में पहुंच गया। तो मैं अपने कार्यालय कक्ष में पहुंचने के बाद अपने कामों में लग गया, मैंने अपनी फाइल पत्रावली इत्यादि खोल ली और मैं उसमें लग गया। फिर लगने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है, थक 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 थक, तो मेरा ध्यान उस ओर गया और मुझे लगा कि शायद ऐसे ही आ रही होगी, थोड़ी देर बाद भी वो आ रही है, वो लगातार आ रही है और बिल्कुल ऐसे ही आ रही है, ठक ठक ठक, लगातार एक ही तरीके से। लग रहा था कि शायद कोई एक छोटी सी हथौड़ी लेकर के किसी लकड़ी, मजबूत लकड़ी को ठोक रहा है, उस पर कील ठोक रहा है, एक ऐसी आवाज़ थी। तो मुझे अचंभा हुआ कि अभी मैं ऑफिस के अंदर घुसा था, तब तो बाहर मुझे कोई नहीं दिखा, तो ऐसा कौन कर रहा होगा। तो अंदर कुछ घूमा कि चलो इस सवाल का जवाब लेकर के आते हैं, बाहर निकला ऑफिस से और बाहर जा कर के चारों तरफ देखने लगा, आवाज़ तो आ रही थी लेकिन कोई नहीं दिख रहा था, थक थक थक। तो थोड़ी देर क्या किया मैंने कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, एकाग्रचित होकर के उसे सुनने की कोशिश करी। जब सुनने की कोशिश करी तो लगा कि यार ये तो ठीक मेरे सिर के ऊपर से कहीं आ रही है, और ऊपर जब मैं देखने लगा तो वहीं पर एक बहुत ही एक बहुवर्षीय पेड़, बहुत पुराना था, जो कि कई सालों पुराना था, उस पेड़ पर मजबूत दरख्त हो चुका था, वो उस पर एक पक्षी अपनी चोंच को ऐसे ऐसे मार रहा है। उसका नाम जानते हैं आप? कुछ लोग तो जानते होंगे, कोई जानता है कि ऐसा कौन करता है? नाम तो नहीं जानते, देखा तो देखा है, चोंच लंबी सी है, उस पक्षी का नाम है।
हिंदी में उसे कठफोड़वा कहते हैं और इंग्लिश में उसे वुडपैकर कहते हैं। हिंदी में कठफोड़वा और इंग्लिश में वुडपैकर। कठफोड़वा से आप समझ रहे होंगे कि कास्ट मतलब लकड़ी, उसको फोड़ने वाला चोंच से, तभी कठफोड़वा। तो वो पक्षी उस पर लगा हुआ है और अपनी चोंच को मार रहा है, छोटा सा पक्षी है। मैंने उसे देखा थोड़ी देर और देखने के बाद फिर मैं अंदर आ गया। तो मुझे पता नहीं था उसके बारे में, पक्षी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, बस कभी चित्र में देखा था कि कठफोड़वा ऐसे होता है, वो क्या करता है कैसे करता है कुछ नहीं पता था। अंदर आके मैं अपने कामों में लग गया। शाम जब जाने का समय हुआ तब तक वो आवाज़ ठक ठक ठक, कोई ब्रेक नहीं, लगातार आ रही है। वो ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, बस वो ठक ठक में लगा हुआ है निरंतर। मैं शाम को ऑफिस से बाहर निकला घर जाने के लिए, घर जाने तक मैंने नज़र डाली, वो ठक ठक चालू है। मैं घर वापस आ गया, रात में सो के जब सुबह वापस ऑफिस के लिए चला तो मेरे ध्यान में था नहीं कि कल कोई कठफोड़ हुआ था, मेरे ध्यान से वो बात निकल चुकी थी। मैं अपने ऑफिस पहुंच गया और दिन की तरह जैसे ही ऑफिस पहुंचा, पहुंचने के बाद फिर से वो ये आवाज़ ठक ठक ठक। तो अब दिमाग थोड़ा सा कौंधा, फिर बाहर गया, फिर उसे निहारा और तब तुरंत ध्यान में आया कि कल भी ये घंटों तक इसने काम किया, आज ये मुझसे पहले इतना समय का पाबंद फिर से आके अपने काम पे लग गया है। और ठीक उसी निरंतरता के साथ, उसी पेस के साथ ठक 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 शाम तक वो ठक ठक उसकी चलती रही। मैं शाम को उसको थोड़ा सा एक तारीफ करने वाले अंदाज में निहारा और मैं चला गया, किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका प्रभाव मुझ पे आ रहा था। धीरे धीरे मैं ये महसूस कर रहा था कि उस पक्षी के गुणों का प्रभाव मेरे अंदर आने लग रहा है, मैं उसकी तारीफ सी कर रहा हूँ। मैं उस रात घर तो पहुँच गया लेकिन घर पहुँच नहीं पाया, मेरा ध्यान उधर ही लगा था। छोटा सा पक्षी, बड़ा सा तरफ, मजबूत, छोटी सी चोंच को लेके लगा हुआ है। अगले दिन मुझे सुबह होने की बड़ी जल्दी थी कि सुबह हो और मैं आज भी देखूं कि आज भी वो ऐसा ही कर रहा है या हार मान के निकल चुका है। एक उत्सुकता सी कि मैं जाऊं देखूं क्या उसने हार मान ली या आज भी वो लगा पड़ा है इसको फोड़ने में, ठक ठक करने में, या उसने जो भी लक्ष्य साधा है क्या ये वो करेगा या बीच में ही हार मान के निकल लेगा। मैं जल्दी जल्दी गया, शायद और दिन के समय से भी 15 मिनट पहले पहुंच गया उस दिन, लेकिन देखूं जाके वो मुझसे भी पहले आ गया है, वो मुझसे भी पहले आ गया और वो अपने काम में लग गया है। और मैं तुरंत ही उस समय गया, जाकर के अपने स्टाफ के सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनको उस दरख्त के नीचे लेकर के आया और उन्हें वो पक्षी दिखाया और फिर बातें बताई कि पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है। सारे लोग अचंभित थे उस बात को सुन के और सभी उस बात की तारीफ कर रहे थे। अब ठीक है, सब लोग देख करके अपना वापस चले गए, मैं भी अपने रोज के कामों में लग गया। मैं काम में तो लग गया लेकिन वो ठक ठक मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी, मेरा ऑफिस भी वहीं था, वो आ भी रही थी और मेरे अंदर भी बसी हुई थी। आज 3रा दिन था, शाम मेरे ऑफिस जाने तक वो ठक ठक वाला पक्षी अपना घोंसला बना चुका था। आज उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी थी। पिछले 3 दिन से लगातार 10 से 11 घंटे एक ही तरीके से काम करते करते वही समय अंतराल, वही स्पीड, वही बल, ठक ठक ठक, इतनी छोटी सी चोंच, उतने मजबूत दरख्त में इतना बड़ा होल बना करके वो अपना घोंसला बना चुका था। तो उसने अपने लक्ष्य प्राप्ति में क्या दिखाया? मेहनत और सबसे बड़ी चीज निरंतरता। किसी व्यक्ति से कहा जाए कि एक दिन तू 10 घंटे काम कर ले, वो कर लेगा,
लेकिन उससे कहा जाए कि 10 साल 10 घंटे काम कर ले, कर लेगा? कर लेगा? आसान है। और लेकिन जो कर लेगा वो ऊंचाइयों पर और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो जब भी एक छोटा सा पक्षी देखिए, कभी भी अपने को छोटा या पिछड़ा नहीं समझना है, जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी मजबूत है, जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि हम में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मतलब हमें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। हमने ये पहचानना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, धरती पे जब आते हैं तो हर व्यक्ति दो हाथ दो पैर और ये शरीर लेकर के आता है, और मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति धरती में आने के बाद ही योग्यता अर्जित करता है, पैदा होके नहीं लेके आता, वो यहाँ पे आने के बाद ली जाती है, वो हमारे कर्मों का फल है। इतनी देर 3-4 घंटे की कहानी में आप ही 100-150 लोगों के बीच में से जो दो लोग ढंग से सुन रहे होंगे, उन कर्मों का फल है। और जो बाकी के बचे हुए लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे होंगे, वो उनके कर्मों का फल होगा। मानते अपने को कभी छोटा नहीं समझना है। एक छोटी सी बूंद, आपने देखा होगा, एक छोटी सी बूंद सख्त से सख्त फर्श पर लगातार पड़ते पड़ते उसमें छेद कर देती है बड़ा सा, एक छोटी सी बूंद। तो उस बूंद में कितनी ताकत है? हर एक आदमी में उतनी ताकत है। हर एक व्यक्ति अपने को छोटी सी बूंद ना समझे, छोटी सी बूंद की ताकत पहचाने। कभी ये मत समझना कि मैं पिछड़ा हूं, जिसकी सोच ऊंची है वो कभी नहीं पिछड़ सकता। अपनी सोच मजबूत कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी की सोच मजबूत कीजिए, और जब भी लगे कि मैं डाउन हो रहा हूं तो उस कठफोड़वे को याद करिए और एक छोटी सी बूंद को याद करिए। जब वो इतने बड़े काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं, कोई भी कर सकता है। बस हर समय खुद को जगाते रहना है कि तुझ में कुछ है, तुझ में कुछ है, सब में कुछ ना कुछ है। उसकी चोट पूरी तरीके से नहीं मारता वो कभी भी, कुछ ना कुछ छोड़ देता है आप में, छोड़ देता है, नहीं एक रास्ता देके रखता है हमेशा। बस पहचानने की जरूरत है, आगे बढ़ो, थाम लो उसे। हर एक आदमी सपना देखना शुरू करो और उसे पूरे करने के लिए हौसले। रेशम तक सीमित नहीं रहना है, अगर आप जाग गए तो रेशम तो ऐसे ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अरे आप में से कितने लोग जागे हैं, हाथ खड़े कीजिए। बहुत सारे जागे नहीं भैया। जागे हैं अम्मा जी, आज जागी है नहीं जागी? आज आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? अम्मा जी का हाथ खड़ा हुआ था भाई, अम्मा जी परसों नहीं जाग रही थी, आज मैं दोबारा आया अम्मा जी को जगाने। मैंने अम्मा जी से कहा है आप नहीं जागेंगी तो मैं बार बार आऊंगा जगाने। भाई अम्मा जी जिसका जिनके किसान है इनका नाम मुझे बताइएगा, और अम्मा जी पे खास फोकस रखना है। जो व्यक्ति नहीं जाग रहा है उस पर खास फोकस रखना है, जिसमें खुद जागने की क्षमता है वो तो बढ़ ही जाएगा, जरूरत उसे हमारी है जो नहीं जाग रहा है। तो जो भी जिनकी भी ये किसान है वो इनका नाम याद रखे, मैं पूछूंगा तो अम्मा जी के तो हम घर भी आएंगे, अम्मा जी को जगाना है। इन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था पिछली बार, इनको जगाने दोबारा आए हैं। तो सभी लोगों ने पूरी मेहनत के संग पूरी सजगता के संग काम करना है, और ये चीज आपके सारे ही जीवन के सभी पहलुओं में प्रदर्शित और परिलक्षित होनी चाहिए। क्यों बच्चा?
खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या उम्र है, क्या करते हो? बाइक रिपेयरिंग। पढ़ाई कब छोड़ी है? क्यों छोड़ी? पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी? बाइक रिपेयरिंग तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर लेते भाई। बैठो। इन्होंने मुझे थोड़ी देर और बोलने के लिए उत्सुक कर दिया। इनके जैसे काफ़ी भाई यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों के घरों में भी होंगे जो आपके बच्चे इतने बड़े होंगे। मैं बताना चाहूँगा, देखिए आदमी हमेशा ये सोचता है कि जिसने पढ़ लिख के, ये तो अमल अकल और उम्र की भेंट नहीं हुई है इनकी, तो कहते हैं ना अकल और उम्र की भेंट नहीं होती। ये कह रहे पढ़ाई में मेरे मन नहीं लगता था। लोगों का ये सोचना होता है, इनका तो अपनी, इनका अलग ही केस है। बच्चा तो ये पढ़ाई में मन किसी का नहीं लग रहा होता है, ऐसे वाले बच्चे होते हैं अक्सर। फिर आपने उनको सिखाना होता है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, तो आप लोग कैसे सिखाएंगे ये देखना है। ज्ञान, अगर आप जो बाइक रिपेयरिंग कर रहे हैं ना भाई, बाइक रिपेयरिंग ही करते हैं आप, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जब बाइक रिपेयरिंग करते ना, उसका आनंद ही कुछ और होता। बाइक रिपेयरिंग में ही ऊंचाइयां छू लेते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? हमें कुछ भी करना होता है, जानकारी ही आगे लेके जाएगी। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती, समझ रहे हैं? मैं खुद में महसूस करता हूं कि जो छोटी क्लासेस थी और फिर बड़ी क्लासेस आई और जब ज्यादा पढ़ लिया तो आज सोचने की क्षमता बढ़ गई। तो तुम जो बाइक रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, तुमने 7वीं 8वीं क्लास में छोड़ दिया, तो आज अब तुम्हारा स्तर भाई साहब यहाँ से बस यहाँ तक पहुँचेगा। ये पहले था और अब ये हो गया, अन्यथा तुम उस रिपेयरिंग के ही फील्ड में जाने कितना नाम कर लेते, और जो तुम्हारे यहाँ रिपेयरिंग करने आता वो तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखता। आज जो आता होगा वो देखता होगा ये मैकेनिक है, देखता होगा नहीं देखता होगा, अरे मैकेनिक है जो है, इसकी वैल्यू क्या है ये समझता होगा। तो क्या चाहिए भाई, वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? सम्मान पैसे से भी बड़ा है या नहीं है? तो कैसे पाओगे? कुछ करना पड़ेगा। जब आप में इतना ज्ञान होगा, सोच होगी, समझ होगी, तभी तो सम्मान मिलेगा। बाइक रिपेयरिंग करो, मैं नहीं कह रहा पढ़ के नौकरी कर लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बगल में बैठे हैं वो पीछे, हाँ, कौन सी क्लास में हो? हाई स्कूल में। क्या करोगे बेटा? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? विशाल। क्या करोगे? इनके पेरेंट्स कौन है? इनके पेरेंट्स है कोई? नहीं आए? विशाल अच्छे मार्क्स आते हैं? पढ़ाई में मन लगता है? कम लगता है? ईमानदारी से कह, देखो उसने ईमानदारी से कहने की वो करी, हिम्मत कर रहा है, वो हिम्मत तो कर रहा है अपनी चीज को सत्य बताने की। इनको बताने वाले की कमी है। यहाँ पे सारे बच्चे नहीं है, देखो आप लोग पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे होंगे घर में, ये आप लोगों का बताने का फर्ज है। अगर बच्चा हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है तो सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। आपको क्या लगता है कि उसको बहुत हाई फाई स्कूल चाहिए आगे बढ़ने के लिए? आपको पता नहीं है छोटे छोटे स्कूलों से पढ़ के लोग कहाँ तक निकले हैं? कुछ नहीं चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए, उसे रास्ता चाहिए जो आप दिखाएंगे। आप बताएंगे बेटा पढ़, बस जो करना है पढ़ाई के बाद करना पूरा। हमें ग्रेजुएट होने में 21 साल लगते हैं, 21 साल लगते हैं, और 21 साल हमारी नींव की मजबूती है। मकान बनाते हैं, जितनी मजबूत नींव होगी उतना मजबूत, वो 21 साल हमारी नींव है। नींव चाहे जैसा मकान बनाना है बना लेना, नींव मजबूत करो। यहाँ जितने भी लोग हो उनके जितने भी बच्चे हैं, पढ़ाई बीच में मत छुड़वाना। बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, कैसे बढ़ोगे?
आपको जब पता ही नहीं होगा कि मेरे पास ये है, मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ोगे? सारे लोग गांठ बांध लो, इसकी तो मैं जिद करूंगा आपसे कि खुद आपने जो भी किया आपका बच्चा पढ़ना चाहिए, उसने जो करना है उसके बाद करेगा, उसके अंदर पूरा अपना जो आपने सेक्रीफाइस करना है, बलिदान करना है, करो। जरूरी नहीं है उसे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसके अंदर बस सोच भरनी है कि बेटा पढ़। किताबें बड़े स्कूल में भी वही हैं, छोटे स्कूल में भी वही हैं, समझ रहे हैं? पढ़ाना जरूर, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है भाई। और जिस फील्ड में जाओगे उसमें ऊंचाइयां हासिल करोगे जिस दिन शिक्षा मिल जाएगी। उसने तो छोड़ दी, प्राइवेट कर ले कॉलेज, समझ रहे हैं? कहेगा तो सही भाई मैं बीए पास हूँ, कर लेना काम जो तुझे पसंद है यार, अच्छे नंबरों से आना अगली बार। कंपटीशन का दौर है, जब आगे बढ़ोगे तभी आगे अपनी जगह बना पाओगे। और जो भी बहुत अच्छी चीज़ें होती है ना, बड़ी मेहनत से मिलती हैं, उसके लिए मन मारना पड़ता है। पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा है ना, मन लगाना पड़ता है। और मन कैसे लगता है? अपने एक सपना ठान लिया आपने, एक छोटा सा सपना देखा कि मुझे ये करना है, और जब मन ना लगे उसको सोच लो, और अपने आज को सोचो, अपने आज को सोचो, और जो सपना सोचा है फिर उसे सोचो, मन लग जाएगा, मन लग जाएगा कि मैं आज जहां हूं और मुझे वहां पहुंचना है, और मैं ऐसे ही पहुंच पाऊंगा, समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे? अपने बच्चों को सुशिक्षित करेंगे, सुसंस्कृत करेंगे, करेंगे सब लोग? आवाज आनी चाहिए भैया, मेरा गला बैठा दोगे और आपकी आवाज भी नहीं आएगी, ऐसा कैसे चलेगा? आवाज आनी चाहिए। आजकल भतेरी चीजें हैं, आपको पता ही नहीं है उसका, पता कैसे चलेगा? बाइक रिपेयरिंग में पता नहीं कितनी टेक्निक है, कितनी कैलकुलेशन है, कितनी इकोनॉमी है, ऐसे कैसे पता चलेगा? ये तो जाता ही नहीं, इकोनॉमी का कोई सूत्र कैसे करेगा ये? तुमने जो है पोल्ट्री फार्म खोलना है, बस तुम्हें पोल्ट्री फार्म को साफ करना आता है, तुम्हें तो इतनी नॉलेज ले लेनी चाहिए पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले कि उसकी डॉक्टरी कर लो, तब जाके पोल्ट्री फार्म खोलो, कैसे फेल होगा देखो फिर। गलत कह रहा हूं? और बढ़ने वाले के लिए सब है, ये मत सोचना कि पैसा नहीं है हमारे पास। जब आगे जाके बच्चा अगले अच्छे उसमें निकलेगा ना, तो गवर्नमेंट लोन देती है और वो ही चुकाएगा, वो लायक है तो। गवर्नमेंट लोन देती है उच्च शिक्षा के लिए, और साथ ही ये कहती है कि जब उसका रोजगार लग जाएगा उसके बाद ये किस्तें भरनी शुरू करेगा, वही कर लेगा काम। करने वाले के लिए सब है, नहीं करने वाले के लिए ठन ठन गोपाल। करने वाला बनना है, कभी भी अपनी किस्मत के लिए सामने वाले को नहीं कोसना है, खुद जिम्मेदार हैं हम, अपने समय के खुद जिम्मेदार हैं। आपको अच्छा चाहिए या बुरा ये आपने डिसाइड करना है। और मैं बता दे रहा हूँ, सारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, सारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे का भविष्य आप पे है उस पे नहीं है, वो तो अभी कम अकल का है, वो कम अकल का है, उसे क्या पता। और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं इसे नहीं बता पा रहा हूँ, तो आपके समाज में कोई ना कोई ऐसा होगा आसपास जो अच्छा शिक्षित होगा, जिसने अच्छा रास्ता चुना होगा, जिसे आप अच्छा समझते होंगे, उसके पास लेके जाइए उसे। सही रास्ता मिल गया अगर तो मंजिल भी मिल जाएगी, गलत रास्ते पे जाएगा तो भविष्य चौपट। तो ये कभी मत कहना कि बच्चा लायक नहीं है मेरे, माँ बाप लायक नहीं थे उसके। समझ में आया कुछ? बैठ जाओ आप, बाकी बच्चे भी सब याद रख लो, बेटा पढ़ाई में मन लगा लेना, नहीं तो ये पिछड़ा शब्द चिपका ही रहेगा। इस बात को याद रखना कि मुझे इस पिछड़े शब्द से छूटना है। अच्छा लगता है पिछड़ा शब्द? अच्छा लगता है? लगता है किसी को अच्छा?
तो बस यही ठान लो मन में कि मुझे इस पिछड़े शब्द से छूटना है, सब हो जाएगा। किताब जरूर पढ़नी है, पढ़ाई जरूर करनी है, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है और मेरी बड़ी जिद है बच्चों से, बड़ों से, सबसे। और ये बात अपने तक सीमित नहीं रखनी है, अगर आप लोगों को ये लगा कि मेरी कोई भी बात अच्छी लगी तो उसको औरों तक भी ले जाना है। जब तक आपके अंदर हम की फीलिंग नहीं आएगी तब तक अकेले का भला करके कोई भला नहीं होने वाला है, सब में फैलाना है। जब अगर इस समय आपके आसपास खूब सारे पढ़े लिखे लोग होते तो आप भी हो जाते नहीं अच्छे, होते नहीं होते? मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, मेरी तरह थोड़ा सा पढ़े लिख गए चार पांच लोग और होते आपके आसपास तो रोज़ बोलते रहते आपसे, अरे अपने बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, ये तो ठीक सा है, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो अगर आप अकेले बढ़ोगे तो आपका ही नुकसान है। सबको बढ़ा के लेके जाओ, सबको बढ़ा के लेके जाओ। अगर आपके गांव में से 7-8 लोग निकल गए होते तो भाई साहब आपका गांव इस समय भाग रहा होता ऊपर उनके पीछे, होता नहीं? तो आदमी ये सोचता है कि मैं बढ़ जाऊं बाकी जैसा है ऐसे रहे। जब हम सबको लेके चलते हैं तो आपका भला होता है अल्टीमेटली। पढ़ाई करनी है, शिक्षित बनना है, और इसमें रेशम को नहीं भूलना है, ठीक है? तो इस बार जितने भी हैं आप लोग युद्ध स्तर पर काम करेंगे, देखिए युद्ध स्तर में काम करेंगे, मैं 100 लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, इनमें से अगर 2 भी सुधर गए तो मेरा काम हो गया, मुझे 100 से मतलब नहीं है। मैंने जितनों से बात करी अगर इनमें से केवल 1 या 2 भी सुधर गए, जिन्होंने अपना भविष्य बना लिया और जिनके अंदर कोई ऐसी लालसा जगी कभी मुझसे 20 साल बाद मिलने आ गए कि सर उस दिन आपने ये बात कही थी, स्वर्ग मिल जाएगा मुझे, तो मुझे 100 के 100 जागे कोई पता नहीं मुझे, लेकिन 1 भी जाग गया अगर आपने से मेरा काम हो गया। तो सबसे निवेदन है कि जाग जाएं, आगे बढ़ें, और सभी को अच्छे समय की शुभकामनाएं।